first me down because then I'm because I already knew. So it gets a little difficult. आप लोगों के लिए problem हो जाती है because अगर आप किसी जने को नहीं जानते और अगर आप उससे अगर लड़ाई करते हैं शो के अंदर तो आपको इतना इफेक्ट नहीं करता. जैसे कभी मेरी विकास से लड़ाई होती थी और बिनाफ्सा से लड़ाई होती थी ना, तो वो चीज उनको भी बहुत इफेक्ट करती थी और मुझे भी बहुत इफेक्ट करती थी गेम में. मुझे अपने आप से ज्यादा डर यह लगता था कि बिनाफ्सा शायद गेम से ना चली जाए और मे बी विकास विकास को डर लगता था प्री ना चला जाए. यू नो सो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज वी बीइंग सो क्लोज टू ईच अदर इट मैटर्स एंड यू कैन नॉट बी फोकसिंग ऑन द गेम थ्रू आउट. फील के अच्छा अपने बारे में सोचे अपने दोस्त के. सो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स इट कम्स. सो आई थिंक दैट्स वन दैट्स नॉट एडवाइस यू कैन डेफिनेटली गो इफ दैट फ्रेंडशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट मेक श्योर दैट थिंग इज गोइंग आउट ऑफ द हैंड. अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं बिकॉज दे माइट बी द थिंग्स के दे माइट बी द सिचुएशंस के आपकी फ्रेंडशिप पे क्वेश्चंस उठे बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स होंगे. अगर आप बहुत स्ट्रांगली गेम में जा रहे हैं तीनों या चारों जितने भी फ्रेंड्स अगर आप बहुत स्ट्रांगली गेम के अंदर जा रहे हैं तो दे विल बी अ पॉइंट दैट क्लैशेस हैज टू हैपन. सो मेक श्योर दैट द फ्रेंडशिप बॉन्ड इज सो स्ट्रांग दैट नथिंग यू लूजिंग व्हेन द गेम गेट्स ओवर. सो आई नॉट लॉस्ट विकास और नीदर बिनाफ्सा. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस. आई हैव द होल्ड ऑफ बोथ बोथ द हैंड्स with me. So that's one thing. So the suggestion is basically go with your friend but make sure even if you're going with them that just mature enough to handle situations and not let the friendship go because that's a deeper and a better picture outside the house because this is the real Bigg Boss house once you enter outside the house. But Priyank, are you mature enough? Are you a true friend? Because it's a bit to make new friends. आपने पुरानी friendship stake पे रख दी थी और कई बार ये different phases में आ गए. It's not about के मुझे नया रिश्ता बनाना था इसलिए मैंने विकास का रिश्ता छोड़ दिया. विकास और मेरे बीच में problems फर्स्ट वीक के अलावा बिकॉज तब तक हम गेम को समझ रहे थे एंड जब मैं वापस आया था तभी से थोड़े से शुरू होने थे जो आर्ग्यूमेंट्स होने लगे थे. तो आई वांट से बिकॉज हिना से तब तक मैं क्लोज हो ही रहा था इतना हुआ नहीं राइट. हिना से तो इवेंचुअली जाके मैं आई थिंक 10th वीक में और मेरी 9th वीक में आके लास्ट कुछ वीक्स में काफी क्लोज हुआ. सो आई वांट से कि मैंने इस रिश्ते को बनाने के लिए दैट वॉज हिनाज मैंने विकास का रिश्ता छोड़ दिया इट्स नथिंग लाइक दैट. बट जब आप एंटर करें फिर से तो आपने यही बोला था कि ये तीनों पॉपुलर है इनके साथ में मिलकर खेलूंगा हीना शिल्पा और सपना. नहीं ऐसा मैंने पहली बार ऐसा मैंने बोला नहीं था कि ये तीनों पॉपुलर है दैट वाज विकास थॉट बेसिकली दैट वाज माय इंटेंशन. मेरा क्लियरली विकास से पूछा था मोस्ट ट्रेंडिंग लाइक आउट बिकॉज़ आई वाज डिस्कसिंग तेरे ओपिनियन से कौन बहुत है. मैं फिर बाहर गया मैंने लोगों को और अच्छे से जाना बट तो क्या अरे सपना की पॉपुलरिटी वाज अमेजिंग हिना हैज ग्रेट फैंस शिल्पा हैज ग्रेट फैंस. आई टोल्ड विकास दैट वे वो लोगों को लगा कि मैं गेम खेलने के चक्कर में ऐसे करो ठीक. Hi, I'm Delna Zilani and you're watching me on GlitzVision. Do follow the channel.